सच पूछो तो हम बड़े नुकसान से बच गए। सोचो, हम तो मंगनी कर रहे थे ना, अगर खुदा ना खास्ता निकाह कर देते तो क्या होता। रानिया का निकाह हो भी जाता ना, तो ऐसे फ्रॉड शख्स के साथ मैं उसको कभी रवाना ना करता। तुम क्या देख रहे हो? माफी मांगो अपनी चाची से। शर्लॉक होम्स बनकर रानिया को कहां ले गए थे इनकी इजाजत के बगैर? चाची, रानिया को लेके जाना मेरा हरगिज मकसद नहीं था। रानिया मेरे साथ हरगिज जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहता था कि रानिया खुद उस लड़की से मिले। बेटा, तुमने जो किया ठीक था, लेकिन कम से कम हमें तो बता देते, हमसे बात कर लेते। चाची, इन सब बातों का वक्त नहीं था हमारे पास। अब छोड़ो भी साजिदा, बच्चों की नियत तो ठीक थी ना, बेवकूफी की बात कर गए वो। मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने मैंने अपनी बच्ची को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया। हाँ रानिया, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। पर मामा कहते थे कि ताया वो आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। पर अभी मामा से बात हुई है, वो कह रही हैं कि ताया वो रास्ते में है। रानिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे भेजा, तो प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। मैं चाची, तोहफे मेरी तरबियत पे। मैंने आज तक उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी गलती, माफ कर। और जो गलत फहमी लोगों के दिलों में एक बार फिर उसकी तरफ से हो गई है, उसे कैसे दूर करेंगे? कौन दूर करेगा? हम दूर करेंगे। देखो साजिदा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। निहाल भाई, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप हुक्म करें। ये सवाल मैं रानिया से करना चाहता हूँ। निहाल, वो किस लिए? मैं इन दोनों का निकाह पढ़वाना चाहता हूं। और तुम भी कसूरवार हो नायला, ये मत भूलो। तुमने अपनी छोटी सी खुदगर्जी के लिए हमारी बेटी की जिंदगी फिर से खतरे में डाल दी थी। तुम ही लाई थी वो बेकार किस्म का रिश्ता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमजा जो है वो सच्चाई सामने ले आया।
बाबा, ये इसकी पहली बीवी और इनका बच्चा। माफी मांगो साजिदा से। अपनों से दूरी का एहसास कितना जानलेवा होता है। वो तो मुझे मेरे भाई दानियाल के इस दुनिया से जाने के बाद पता चला। साजिदा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। नहीं भाभी, प्लीज ऐसे मत कहे। मैं अपनी नजरों में ही छोटी हो जाऊंगी। आप दोनों ही तो हमारे सर के साहिबान हैं। हमजा बेटा, आप जाओ, रानिया को मना करना। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? घर तो इतना दूर नहीं, घर तो उस साइड पे था ना। हम घर जा भी नहीं। क्या मतलब है हम घर नहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं फिर हम? रानिया, तुम प्लीज क्यों परेशान हो रही हो? किसी गलत जगह नहीं लेके जा रहा तुम्हें, प्लीज ट्रस्ट मी। हमजा, घर चलो अभी के अभी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये तुम्हें पता है वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे और कोई बता भी नहीं। रानिया प्लीज, मैं गाड़ी से चला लूंगी। रानिया नहीं मोड़ सकता मैं गाड़ी। इधर तीन जिंदगियों का सवाल है यार। कोई बकवास नहीं सुनी मुझे तुम्हारी गाड़ी। यू डन नो, यहां से। रानिया लिसन, तो मुझे अपनी लाइफ में से आधा घंटा तो दे सकती हो ना? जस्ट हाफ एन आवर प्लीज। कोई शादी वादी नहीं हुई, ये पता नहीं किसका बच्चा उठा के ले आई है। आप इसे निकालें यहां से। झूठ तो आप लोगों ने बोला है मुझसे और इन सब से। हम लोग तो इस्लामाबाद में रह रहे थे ना। मुझे नहीं पता कि आप लोग कराची कब शिफ्ट हुआ है। मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलता कि वलीद तुम दूसरी शादी कर रहे हो, अगर मुझे हमजा भाई नहीं बताते। और जैसे ही मुझे दूसरी शादी का पता चला, पहली फ्लाइट लेके मैं कराची आई हूँ। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूंगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम शादीशुदा नहीं, अब तलाक दोगे इसे। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? कभी भी नहीं।
चेंज कर लिए कपड़े। अच्छी तो लग रही थी। उठो यहाँ से, निकलो अभी के अभी, दफा हो जाओ यहाँ से। उठो मैं कहती हूँ, निकलो मेरे कमरे से, उठो। कहाँ जाऊंगा मैं, तुम ही मेरी मंजिल। दफा हो जाओ, निकलो मेरे कमरे से। जब भी मेरी जिंदगी में आते हो, मेरा सुकून इत्मीनान सब बर्बाद कर देते हो। निकल जाओ यहाँ से। रानिया मेरी बात सुन, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। रानिया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। ये ठीक किया है तुमने, मामा को मेरे खिलाफ करके मुझसे बदजन कर दिया तुमने मेरी माँ को। रानिया मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कौन सा सच, किसने कहा तुम्हें, किसने कहा जासूसी करो, उसकी शादी थी, उसकी बीवी थी, जो भी था मेरी मर्जी थी, मेरी जिंदगी थी। क्यों आए तुम, कौन होते हो तुम? अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होता हुआ कैसे देख सकता हूँ? Can't you see that I love you? कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत जब सना को भगा के उससे शादी कर ली? कहाँ थी मोहब्बत वो जब मैं मर रही थी? कहाँ थे तुम? बदला लिया था उससे मैंने। प्यार नहीं करता था। जो ज्यादती उन्होंने हमारे साथ उसका बदला लिया है मैंने। मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे लिए जीता हूं। तुम्हारे लिए मर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। अब निकल जाओ यहां से, निकलो यहां से। के सामने तुम्हें किसी और का होता हुआ कैसे देख सकता हूं? Can't you see that I love you? क्या हुआ हमजा, मान गई रानिया? नहीं हूं। वो नहीं मानेगी।
बहुत जिद्दी है। हाँ, जिद में तो बिल्कुल अपने बाप पर ही गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मनवा कर ही उठेंगे यहां से। नहीं अम्मी, रहने दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा, फजूल बातें मत करो, जाके स्पेशल मिठाई लेकर आओ। जब तक हम चाय के साथ ना गुड न्यूज तैयार रखते हैं। क्यों साजदा? हमने जिस जिस को भी चाहा, तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम जमाना टूट गया। जुगनू और हमजा का अलग ही नाता है। अश्मन के साथ ही हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तुम हमेशा मेरे दिल में थे। तुम और तुम्हारी मोहब्बत हो मेरे लिए सब कुछ और रहोगे। अम्मी, हमजा के लिए इस तरह इसका पागलपन ठीक नहीं है। जब मैं छोटी थी, मैं तब भी हमजा भाई के घर जाती थी। मैं आज भी हमजा भाई के घर जाऊंगी, और जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मैं तब भी हमजा भाई के घर जाऊंगी। हमजा, तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने जुगनू की आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा। मैं अपना जुनून नहीं हार सकती। हमजा के लिए जुगनू अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। साजदा, आप रानिया को बुला लें जरा। बेटा, मेरे पास बैठो। मैंने बेटा तुम्हें दो बातों के लिए बुलाया है। सबसे पहले तो मैं तुमसे माजरत करना चाहूंगा। प्लीज मुझे नहीं, मुझे बात करने दो बेटा। देखो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा मेरे बेटे की नालायकी की वजह से। तो माजरत तो बनती है ना? नहीं ताबू, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। बेटा, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को बेटी दे दे तुम्हारे जैसी। जो नेक और साबिर हो। मैं जानता हूं हम सब ने तुम्हारा दिल दुखाया है, हमें माफ कर दो बेटा। नहीं दाबू, मुझे किससे कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज माफी मत मांगे मुझसे। तुम्हें मुझसे भी कोई शिकवा नहीं है? मैंने तो हद कर दी तुम्हें तकलीफ देने में रानिया। आइए मियां। क्या किया आपने भाभी? जरा सा भी एहसास है तुम्हें? तुम जानती हो साजदा क्या किया इसने?
ये हमजा से रابطے में रही है और मुझसे सब कुछ छुपाया है। नहीं दायमी, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मुझे किससे कोई शिकायत कोई गिला नहीं। और जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था और किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। अच्छा रानिया, हमारी एक गुजारिश है तुमसे। अगर तुम मान लो तो हम तुम्हें दुआएं देंगे और अगर नहीं मानोगी तो हम बुरा नहीं मनाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, आप हुक्म करें। हम ये बात साजिदा से कर चुके हैं और इसे कोई एतराज नहीं है, बस हमें तुम्हारी हाँ चाहिए। मेरे हमजा के लिए हाँ कर दो बेटा। या मैं तुमसे मोहब्बत करूं? तुम्हारे लिए जीता हूं। तुम्हारे लिए मर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। अब निकल जाओ यहां से, निकलो यहां से। मैं हमसे से शादी नहीं कर सकती, इसके अलावा आपका जो भी हुक्म है मेरी सर आंखों पर। वो कहते हैं ना कि एक बार शीशे या दिल में बाल आ जाए तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता है। आज आप सब लोग जज्बात में आकर ये फैसला तो कर रहे हैं, कल को जब कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ बोझ लगूंगी मैं सब पर, सब मुझे कसूरवार समझेंगे, इसीलिए बेहतर ये कि रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए। ये बात सच है बेटा, नायला ने पता नहीं कौन से वहम में आकर तुम्हारे रिश्ते की मुखालफत की है, लेकिन लेकिन अब ये समझ गई है, ये समझ गई है कि ये गलती पर थी। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। ये लीजिए अम्मी, आपकी स्पेशल मिठाई आ गई। अब देख क्या रहे हैं, खोलिए इसे, मुंह मीठा कराइए। और ये क्या अम्मी, आपने अभी तक चाय भी नहीं बनवाई।
और सब इतने खामोश क्यों? कुछ पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। आप सब लोग क्यों खामोश हैं? क्या हुआ? For God's sake, अम्मी, कोई मुझे भी कुछ बताएगा या नहीं? तुम ही ये न्यूज़ ब्रेक करो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। बेटा वो हमने ना बहुत कोशिश की रानिया को मनाने की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। अब निकल जाओ यहां से, निकलो यहां से। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं एक बेवा, मैं भी डिवोर्सी हूं। क्या फर्क मुझ में हो तुम? रानिया, प्लीज मुझे कबूल कर लो। मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। तो मेरा हमजा ही नहीं है, मेरा हमजा तो जिंदगी से भरपूर खुशियां मिलने वाले। मेरा एक ही एक बेटा है, हम हार नहीं मानेंगे। रानिया, I'm sorry. Please, मेरी बात सुनो, I'm sorry, I really mean it.
कि वो इतनी सख्त दिल मेरे लिए क्यों टुकरा देती है मुझे बार बार। आखिर कसूर क्या है मेरा, क्या गुनाह किया है मैंने जो मुझे बार बार धक्कार देती है? बोलो रानिया, क्या किया है मैंने? यही के प्यार करता हाँ करता हूं मैं और करता रहूंगा तुमसे। कहां गई वो रानिया मेरी? वो रानिया कहां है जो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती थी?